हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में सिविल एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए मेनली हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। यदि हम किसी साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब रिसोर्सेज देखिए कितने तरह के होते हैं। रिसोर्सेज हमने मेनली ये बताया था कि एक मैन पावर होता है, मशीनरी होता है, मटेरियल होता है। अब इसमें हमने मैन पावर आपको बता दिया था। मैन पावर बताने के बाद मशीनरी आता है, मटेरियल्स आते हैं। मैन पावर के बाद मैं डायरेक्ट मटेरियल बता रहा हूँ, मशीनरी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ये देखिए मटेरियल का हमने कुछ यहाँ पे सिलेक्शन किया है। ये देखिए मटेरियल यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, जैसे शटरिंग मटेरियल हो गया, वुडन बैटन हो गए, नेल्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, और सॉ हो गया, बैटन हो गए, प्लाईवुड कटिंग मशीन हो गई, हैमर विद नेल्स रिमूवर हो गया। ये सारे हमारे मटेरियल जो हैं वो यूज होते हैं साइट पे, और इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, खासकर जब हम कॉन्क्रीटिंग वर्क करते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि अब देखते हैं ये वीडियो दोस्तों, यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं सुधार करूँगा। अब आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। यहाँ पे देखा जाए तो यदि मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल, मैन पावर हमने बता दिया, मशीनरी बाद में बताऊँगा, मटेरियल्स के लिए आते हैं। मटेरियल में देखिए क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म वर्क की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म वर्क में होता है वुडन प्लाई एंड स्टील प्लेट्स। कहीं कहीं जहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जल्दी जल्दी, और कुछ इस तरह की ड्राइंग रहती है जहाँ की हमें काट पीट या फिर रिमूवल ज़्यादा होता है और उसका रिएक्टिफिकेशन ज़्यादा होता है। रिएक्टिफिकेशन मीन्स, जैसे दोस्तों एक यहाँ पे देखिए आप इस छोटे से वीडियो में, जैसे ये एक फुल प्लाई लगा रहा है। यदि यही होता जहाँ पे बीम की शटरिंग होती है, जैसा आपने देखा होगा कहीं कहीं जब घर बनते हैं तो बीम और स्लैब के बीच में जो जंक्शन होता है, उस जगह की जब प्लाई होती है वहाँ पे हम स्टील फ्रेम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट साइज का रहता है और इसकी वजह से हम उसका यूज ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद नहीं होता। अब आते हैं फिर होता है क्या क्या, शटरिंग मटेरियल में बैटन होते हैं, नेल्स होते हैं, वुड कटिंग मशीन होती है, सॉ होता है, हैमर विद नेल्स रिमूवर। अब देखिए हैमर विद नेल्स रिमूवर इस जगह आपको दिख रखा है, ये आप यहाँ देखिए हैमर, एक तरफ इसका क्या होता है कि एज है इसका, वो फ्लैट होता है, दूसरी तरफ एज में वी कट लगा रहता है, वी शेप का, जिससे नेल्स को पकड़ के हम उसको उठाते रहते हैं, और इसकी इसलिए इसका नाम ज़्यादातर रहता है हैमर्स विद नेल्स रिमूवर। अब कहेंगे दोस्तों इसका काम कहाँ आता है, तो काम देखिए सबसे बड़ा ये है इसका कि जब हम किसी की नेल्स को हम शटरिंग और प्लाई में जोड़ देते हैं या लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो टेढ़ा हो जाता है या सही से प्रॉपर लगता नहीं है, तो उस कंडीशन पे नेल्स रिमूवर वाले एज से नेल्स का जो थ्रेड होता है टॉप का, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये देखिए ये थ्रेड है, इस थ्रेड को नेल्स रिमूवर के एज से फंसा के कर लिया जाता है, जिससे नेल्स रिमूव हो जाती है। अब आते हैं दूसरे वाले एज पे, थ्रेडिंग वाले एज पे देखिए, थ्रेडिंग वाला तो नॉर्मल आप लोगों ने देखा ही है कि हैमर कैसा होता है। जैसे और आपको यदि क्लियर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह का है, इस तरह का होता है, इसमें वो नेल्स का थ्रेड हम फंसाते हैं, और ये फ्लैट होता है जो किसी चीज़ को हैमरिंग करने का काम आता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे कि जैसे देखिए हैमर हो गया, सॉ, सॉ देखिए क्या होता है, सॉ एक तरह की आरी होती है जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। अब देखिए ये जैसे हो गया, ये आरी है, आपने नॉर्मली देखा होगा, कारपेंटर की दुकान पे देखा होगा, फर्नीचर की दुकान पे देखा होगा, आपके घर भर में यदि खिड़की या फिर कुछ डोर्स बनते हैं उस समय आपने देखा होगा ये ज़रूरत पड़ती है। ये फिर आता है सॉ हो गई, वुड कटिंग मशीन हो गई। वुड कटिंग मशीन ये है दोस्तों, देखिए ये जैसे आप इसको देखिए, ये इस तरह का होता है, इसमें व्हील होती है, ये व्हील, और ये इलेक्ट्रिक होता है प्योरली, ये व्हील वुडन के एज पे रखा जाता है जहाँ हमें कट करना है, और एक्चुअल मेजरमेंट साइज पे लेके इससे कट किया जाता है। ये व्हील ज़्यादातर 8 इंच के डाया की होती है या फिर 6 इंच डाया की होती है। 8 इंच डाया थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ बैटन के साइज होते हैं जो कि काफ़ी मोटे होते हैं, जैसे ये बैटन का साइज़ देखिए,
यहाँ पे कितना है, 100 बाई 100, 2440 का, 100 बाई 100 बाई 1220 का। अब इसको कटिंग करने के लिए होता क्या है कि हम यदि 6 इंच की कटिंग व्हील रहेगी तो पूरा नहीं कर पाता है एक बार में, जबकि 8 इंच से क्या होता है, इजीली कट हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों वुड कटिंग मशीन फिल नेल्स पे। अब देखिए ये जो नेल्स है हमारा, ये नेल्स इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नेल्स है ये। अब इसका साइज़ देखिए क्या होता है, इसके साइज़ 3 तरह के आते हैं। सबसे पहला 1 इंच का आता है, जो कि कहीं कहीं बहुत माइनर थर्माकोल लगाने के लिए या फिर कोई पॉलीस्टरीन को टाइट करके उसको सेट करने के लिए, उसके लिए 1 इंच का नेल्स आता है। और 1.5 इंच का आता है जो कि हम ज़्यादातर मैक्सिमम प्लाईवुड शटरिंग में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप इस जगह, इस पोर्शन पे 1.5 इंच का नेल्स यूज होगा, जो हम प्लाई लाइंग कर देंगे उसके बाद प्लाई और बैटन में ज्वाइंट करने के लिए। अब आते हैं 3 इंच का। 3 इंच का कहाँ मैक्सिमम यूज होता है, जब हम ये दो बैटन को आपस में जोड़ते हैं, बैटन की एज को, तब 3 इंच का नेल्स यूज करते हैं। 4 इंच का नेल्स बहुत कम यूज होता है, जहाँ पे बैटन का और बीम का सपोर्टिंग हमें करना पड़ता है, उस जगह हम 4 इंच का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि बैटन का। अब देखिए बैटन हमारे पास मेनली 3 टाइप के यूज होते हैं। पहला हो जाता है कि ये 50 mm, 75 × 2440 mm का, या फिर 75 75 2440 का। अब देखिए ज़्यादातर जो प्लाईवुड बनाने का काम आता है, प्लाईवुड शटरिंग, ज़्यादातर ये 2-3 के बैटन से बनती है। ये देखिए दोस्तों ये 2-3 के बैटन से बनती है। अब यहाँ पे ये 75 75 का कहाँ ज़रूरत पड़ता है, कहीं जैसे बीम की सॉफिट तैयार करनी हो तो उसके सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद 100 बाई 100 × 2440 के भी बैटन आते हैं। ये बैटन के भी साइज़ आप देख लीजिए, ये होता है जो कि स्क्वायर सेक्शन के होते हैं। अब ये दो लेंथ में आते हैं, एक 2440 की लेंथ में आते हैं, एक 1220 की लेंथ में आते हैं। और यदि स्पेशल कुछ आपको मंगाना होता है तो आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है एजेंसीज़ को, वो कट करके और फिर बाइंड करके आपको दे देती हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा बढ़ के, हम बैटन हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं वुडन प्लाई के ऊपर। वुडन प्लाई का देखिए, वुडन प्लाई का साइज़ क्या होता है, वुडन प्लाई ये हो गई। वुडन प्लाई में होता क्या है कि ये एक तरह का, ये जिसको बहुत सारे लेयर में आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट में, कि प्लाई कैसे बनती है और प्लाई क्या होता है, तो एक तरह का ये बहुत सारे वुडन लेयर्स को प्रेस करके और कंबाइंड करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी साइज़ क्या होती है। प्लाई भी दो साइज़ की आती है। अब देखिए 1220 और 2440 mm की, तथा 1220 और 1830 mm का। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों साइज़ के आते हैं। मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो आप साइड पे यूज करेंगे, वो 1220 बाई 2440 का मिलेगा। थिकनेस देखिए कितनी होती है, 9 mm होती है, 12 mm होती है, 18 mm होती है। 9 mm कहाँ यूज होता है, मैक्सिमम जगह पे अभी जो यूज हो रहा है वो 12 mm यूज होता है। उससे ज़्यादा कहीं हैवी डेक हो गया, या जैसे आपने देखा होगा कहीं जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, या फिर कहीं मेट्रो वेट्रो के आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी हैवी बीम रहती है, वहाँ पे 18 mm की प्लाई फिर यूज कर सकते हैं। 9 mm की प्लाई कहाँ यूज होती है, मैक्सिमम जहाँ पे आपको सर्कुलर सेक्शन डिफाइन करना होता है या फिर गेन करना होता है, उस जगह हम 9 mm का यूज करते हैं, क्योंकि 9 mm कर्व ज़्यादा ले सकती है इवन 12 mm और 18 mm की अपेक्षा। तो 9 mm यहाँ पे सर्कुलर के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम ऐसे 12 mm जहाँ भी आप कॉलम हो गया, सॉफिट हो गया, स्लैब हो गया, इन सब के लिए आप 12 mm मैक्सिमम यूज होते हैं। 1220 बाई 1830 की साइज़ का, ये कुछ स्पेशल साइज़ के प्लाईवुड होते हैं जो कि स्पेशली कहीं से मंगाए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, या शॉर्ट हाइट की कंक्रीटिंग के लिए, या फिर शॉर्ट हाइट के स्ट्रक्चर के लिए, कि जो हमें ज़रूरत पड़े। अब एक चीज़ और बताऊँ, एक चीज़ और आती है, ये प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वुडन प्लैंक जो होते हैं ज़्यादातर यूज होते हैं स्लैब की एज में, क्योंकि हम प्लाईवुड या फिर ये सब ज़्यादा हम कट नहीं कर सकते, तो यदि हमारे पास ये प्लैंक का रहता है ऑप्शन तो हम इसे यूज करते हैं। ये मैक्सिमम 250 mm विड्थ में आते हैं, और लेंथ इनकी 2 मीटर से 2440 तक हो सकती है, जिसे हम कट करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके फोल्डिंग मटेरियल पे बनाऊंगा और इसके फोल्डिंग मटेरियल कपलक सिस्टम पे बनाऊंगा। और इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा शटरिंग बनाने के तरीकों को बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं और कैसे फिक्स करते हैं, लेवल कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे हम किसी स्लैब को करने जा रहे हैं तो हमारा बीम का लेवल क्या होना चाहिए, सॉफिट का लेवल क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।